नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको प्रयोग दे रहा हूँ बाबा वीरभद्र जी का, जो कि स्वयं में बोले शिव जी का अंश है और बाबा भैरवनाथ जी इनके जोड़े में चलते हैं, यानी कि बाबा काल भैरव, और इनकी शक्ति बड़ी प्रचंड है। ये प्रयोग तब करा जाता है जब आपको कोई शत्रु जानबूझ के तंग करता है, शत्रु दमन के लिए, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया बार बार छोड़ता है, या किसी भाई बहन के ऊपर कोई ना कोई इलम दिलम करता जाता है, बार बार इलम करता रहता है, और इलम करने के बाद आपके हर एक काम को रोकता है वो, या आपके वो बोलते ना घर पे तंत्र करता है, आपके भाई बहन की कोख बोलते ना कि जो बहनें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनकी कोख बांध देता है, कोई बच्चा नहीं होने देता, किसी का बिजनेस ठप कर देता है। तो वहाँ पे आपने इसका प्रयोग करना। 99% क्या होता है कि 99% जो अपने घर वाले होते हैं जिनकी गद्दियाँ लगती हैं, जैसे आप सेवा किसी करो चाचे ताऊ में गद्दियाँ लगती हैं, वही आपके ऊपर उल्टे प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे आपने इनका प्रयोग करना है। प्रमाणित प्रयोग है, गुरु आज्ञा के बिना, गुरु कृपा के बिना आपने करना नहीं है। मैं सिर्फ सनातन धर्म का प्रचारक हूँ, ना संपदा का प्रचारक हूँ, मेरा काम प्रचार करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये देता हूँ चीज़ अपने ज्ञान के आधार पे। मैं किसी धर्म मज़हब किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाने के लिए ये चीज़ें नहीं डालता हूँ। आपने जो कुछ भी करना है किसी के स्नेह में अथवा गुरु कृपा के साथ करना, अगर आप ऐसे करते हो तो लेखा जोखा आपका और मेरे द्वारा देगी। क्रिया करने से पहले मेरे धुने पर अरदास लगाने, अपना फोटो आई डी प्रूफ जरूर भेजना मेरे को, मात्र उसके बाद आपको बताया जाता है। बाकी तीन और चैनल गुरु घटना शिव गुरु क्षण सबसे ज़्यादा वीडियो जो सनीना चैनल पर आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले पर क्लिक करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। किसी प्रकार की शिष्य सामग्री लेनी अथवा किसी और कार्य करवाना है आपको, तो वो जो फ्री वाला प्रयोग है वो फ्री ही बताया जाता है आपको। जो फ्री पाए फ्री रहता है, जहाँ पे जो खर्चा भोग प्रसाद रहता है वो आपने ही करना होता है। गुरु मंत्र इंटरनेट पे नहीं दिया जाता, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं है। अब आता हूँ इनके प्रयोग पे। इनका जो प्रयोग मैं आपको बता दूँ, ये वीरभद्र जी का जो प्रयोग है पूर्ण रूप से आपको बता दूँ, इसका जो विधान है ये बहुत ही तगड़ा विधान है। मैं आपको बता दूँ 99% पब्लिक क्या है कि पब्लिक ढूंढती है कि यार मेरे को इनका जो सिस्टम है वो मिल जाए, मैं इनकी साधना अर्चना पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करनी है। बाकायदा इनका यंत्र भी है, यंत्र रख के भी आप इनकी पूजा कर सकते हो। पूजा का क्या विधान है, कैसे करना है, देखो कोई तांत्रिक आपको बार बार परेशान करता है, बार बार आपके ऊपर तंत्र करता है। तांत्रिक की क्रियाएँ कई प्रकार से है, उसने चाहे आपके ऊपर स्तंभन चलाया, चाहे मारन चलाया, चाहे उचाटन चलाया है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हो बकायदा। लेकिन पहले आपको बंधन कहीं ना कहीं से खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपके ऊपर बंधन है तो आप मंत्रों का प्रयोग करते हो, पूर्णतः रूप आपको उन मंत्रों का प्रयोग नहीं मिलता है। मात्र दीपावली को आप इसका 1188 बार जब करते हो तो कुछ ना कुछ कृपा इनकी आपके ऊपर हो जाती है, पैरा इनके ऊपर आपका मतलब आपके ऊपर चढ़ जाता है, और 108 माला का आपने हवन करना होता है। नॉर्मल सा ये मंत्र जो दे रहा हूँ, मंत्र जो है शावरी विद्या का यह पाठ है, ये कोई ऐसा नहीं है ये अढ़ाइया मंत्र है, ऐसा नहीं है कि ये वैदिक पद्धति का मंत्र और सिद्ध होने में इसको बड़ा लगेगा। तकरीबन पूर्ण सिद्धि लेनी है तो आपको 41 दिन में 1.25 लाख का ही जप करना पड़ता है अनुष्ठान, उसके बाद आपको 10वां हिस्सा हवन में देना पड़ता है, यानी कि आप जितना डेली माला करते हो उसका हवन आपको साथ के साथ निकालना पड़ता है। या आप अथवा संकल्प में जब लेते हो, संकल्प में आप पहले देवता को बोल दो कि मैं 11 से ज़्यादा माला मैं हवन में नहीं दे सकता। नॉर्मल हवन सामग्री के साथ हवन करना होता है। शत्रु दमन के लिए ये प्रमाणित प्रयोग है। शत्रु बार बार आपको तंग करता है कोई भी हो, ये प्रयोग खाली एक पे नहीं चलता, ये प्रयोग में जब आप समस्त का बोलते ना, आप जब संकल्प लेते हो, संकल्प में आप बोलते हो मेरे समस्त शत्रुओं का दमन करना, और बाबा मेरे इर्द गिर्द भी ना है, मेरे बारे में गलत ना सोचे, मेरे रास्ते में रहे, तो वहाँ पर ये प्रयोग जो है कारगर सिद्ध होता है। पूर्णतः रूप गुरु श्रेणी में ही आपने करना है। तो एक बार सुन लो इनका जो प्रयोग है, प्रयोग में आपको क्या क्या विधान की पालना करनी पड़ती है। देखो सभी प्रयोगों में मैं आपको बता दूं, वो बोलते ना कि ध्रुवगंध मैथु 5 द्रव होते हैं, उन द्रवों को अपमर्ग और एकम खजाने की अपमर्ग कहते हैं। प्रतिदिन आपको घृत में आहुति देनी है इसकी, यानी अपमर्ग आती है, मयूर आती है, बट और बोलते ना दुष्टानंद और ध्रुव, ये सारी आपको मिक्स करके एक हवन में डालनी होती है, यानी कि और आपको बलि देनी है। बलि में आप क्या दे सकते हो, अगर आप ये दोनों रूप में चलते हैं, तामसिक में भी चलाते हैं लोग और इनको नॉर्मल में भी, तो वो आप जब लेते हो तो तब करना। हवन नामी कर्म आपको करना पड़ेगा, हवन से ही होगा। स्तंभन हेतु अथवा बोलते ना मारण उचाटन और बदवेशन में सबसे ज़्यादा चलता है। शत्रु चाहे जितना मर्जी योग्य हो, जितना मर्जी बोलते तगड़ा हो, आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ का अंश होने के साथ साथ इनकी जो शक्ति है वो अपरंपार है। इनका जो मंत्र है, ये मंत्र इतना बोलते प्रमाणित है, इतना शक्तिशाली है, आपने बाबा जी का फोटो रखना, स्वयं का आसन लेना, दीपक आप कोई भी प्रज्वलित कर सकते हो, फोटो के सामने यंत्र जरूर लेना है। यंत्र नहीं है तो नॉर्मली आप ऐसे भी फोटो रखेंगे, पूजा कर सकते हो। इस मंत्र का आपने संकल्पित जो होते जप करना है, अगर दीपावली में करते हो तो 1188 जब जपना, और एक माला का आपने हवन देना है, रुद्राक्ष की माला के ऊपर जप करना। आसन आपका अपना ही रहेगा स्वयं का, और आपने पूर्णतः गुरु आदेश से करना, और बिना अरदास लगवाए ऐसे मत जपना इसको। तो मंत्र सुन लो, मंत्र
ओम वीरभद्राय अति क्रूराय रुद्रकोप संभवाय सर्वदुष्ट निवरहन हुम फट स्वाहा। इतना सा मंत्र है, पूर्ण रूप से आज्ञा लेके करना, ऐसे मत करना। मंत्र नहीं समझ में आता लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि पूर्णतः रूप गुरु सन्निधि में ही आप करते हो तो ही इन मंत्रों का प्रयोग का मतलब तो फायदा होता है। किसी प्रकार की शिष्य सामग्री लेने के लिए अथवा किसी और प्रकार का कार्य करवाने के लिए मेरे साथ कंसल्ट करते हो, बहुत प्रसाद खर्चा आप करता है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना, तीन चैनल और सब्सक्राइब करना, बाकी की डिटेल।